हेलो टू ऑल अभी काफी दिनों से एक टॉपिक हमारे न्यूज में चल रहा है जो कि है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड किया जा रहा है इस पर्टिकुलर बिल को मार्च के महीने में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड नाउ दिस बिल हैज बीन विद द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी जो इस बिल के ऊपर राय विमर्श कर रही है और कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर मानसून सत्र में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसकी वजह से काफी ज्यादा अगर आप आज के न्यूज को देखोगे पिछले एक दो दिन में दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन इन न्यूज बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू एंश्योर की फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑन वन हैंड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट एक तरफ आपको फॉरेस्ट को कंजर्व तो करना है बट ऑल्सो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना है

तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू करना चाह रही है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो हमारा एक्ट है 1980 में लाया गया था क्या उसको अमेंड किया जा सकता है सो दैट वी कैन फैसिलिटेट द बेटर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री वी कैन एंश्योर दैट द पेस ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेज विदाउट यू नो डिस्ट्रॉइंग इकोलॉजी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट तो ये पर्टिकुलर आपका जो यू नो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर अब इसी के लिए आपको बहुत सारे इन्वॉर्मेंटल एंड इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट क्रिटिसाइज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूव बाय द गवर्नमेंट उनका कहना है कि आप जो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल लाने जा रहे हो इससे इकोलॉजी को काफी ज्यादा खतरा पहुंचेगा और इकोलॉजी के साथ साथ उस पूरे पर्टिकुलर एरिया का जो एक नेचुरल यू नो एग्जिस्टेंस है जो वाइल्ड लाइफ है उन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पहुंचेगा ठीक है तो इसी कॉन्टेक्स्ट uh, में आज के लेक्चर में वी विल बी ट्राइंग टू कवर बोथ दिस एस्पेक्ट्स व्हाट इज द गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट और उसको हम लोग बिल के थ्रू समझेंगे एंड ऑन द अदर हैंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑपोजिशन का क्या क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग तो इस पूरे चीज को पढ़ने के लिए यू नो you know, हमेशा आप लोग डाउट में रहते हो कि सरकार कभी भी कोई ऐसा बिल लाती है तो कौन सा वेबसाइट हमको फॉलो करना चाहिए सी ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव टू रीड द हिंदू एंड द न्यूज वो तो आपको करना ही करना है बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कभी भी कोई बिल को समझने में मुश्किल आ रही है या आप कोई पर्टिकुलर बिल को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो या आपको बिल के ऊपर कंटेंट चाहिए और तो यू कैन यू नो वेरी मच रेफर टू दिस पर्टिकुलर पी का एक वेबसाइट है पार्लियामेंट्री जो रिसर्च uh, करता है एक थिंक टैंक है जो कि सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा uh, जितने भी बिल्स पॉलिसीज स्कीम्स इनको एनालाइज करता है इनके प्रोज बताता है और इनके कॉन्स बताता है

पार्लियामेंट में टेबल किया था वो भी वो अलोंग साइड प्रोवाइड करता है तो आज के यू नो सेशन में अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि uh, uh, ये पर्टिकुलर बिल जो uh, है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट की देखोगे अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ठीक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया गया था ये देख सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया गया था एनी फॉरेस्ट लैंड एज द ओन रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है वो किसी भी लैंड जो अपने स्टेट के अंदर आता है उसको फॉरेस्ट लैंड के अंदर ला सकता है उसको फॉरेस्ट लैंड के अंदर ला सकता है एंड वंस इट इज ब्रॉट अंडर द फॉरेस्ट लैंड देन अ होल सेट ऑफ यू नो रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट टू गेट अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया ठीक है तो ये पहला एक्ट है जिसके बारे में हमें आपको हल्का सा बेसिक नॉलेज समझने की जरूरत होती है सेकेंड आता है आपके पास द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अब आपको पता है कि उन्नीस सौ के दशक में इन्वायरमेंटल मूवमेंट और ये सब मूवमेंट काफी ज्यादा तेज रेट से चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को उन्नीस सौ बनाया गया स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ये सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में भारत की सरकार ने उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट अब अगर हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन की बात करते तो इसमें देखो क्या है सपोज ये हमारा एक स्टेट है ठीक है अब इस स्टेट के इस पर्टिकुलर लैंड को वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इसको फॉरेस्ट लैंड का दर्जा दे दिया ठीक है कि मान लो ये स्टेट लाइक like, कोई भी स्टेट मान लेते लाइक like महाराष्ट्र है ये ठीक है अब महाराष्ट्र ने अपने इस महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर इस पर्टिकुलर लैंड को फॉरेस्ट लैंड के अंदर ले आया ठीक है ये पहले चल रहा था इस तरीके से किसी भी एरिया को फॉरेस्ट लैंड के अंदर लाया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और उसकी वजह से इस पूरे एरिया को बेटर वे में प्रोटेक्ट किया जा सकता बट इसी प्रोटेक्शन को और बढ़ाने के लिए इसी प्रोटेक्शन को और बढ़ाने के लिए उस समय की सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन लाया जिसके अंदर अब एक कंडीशन था कि अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए डाइवर्ट करना है अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए डाइवर्ट करना है तो पहले आपको केवल स्टेट का परमिशन चाहिए था अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बट अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाउ यू ऑल्सो नीड द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ यू ऑल्सो नीड द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो ये आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अगर आप Uh, एक स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया को फॉरेस्ट लैंड के अंदर डाल सकती है और उस फॉरेस्ट लैंड को किस वे में रेगुलेट करना है उस पर सारा स्टेट गवर्नमेंट का पावर था लेकिन इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया जिसमें यह कहा गया कि अब जो जितने भी हमारे फॉरेस्ट लैंड हैं अगर उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड पर्पस के लिए अगर आपको उसको डाइवर्ट करना है देन नॉट ओनली यू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट यू ऑल्सो नीड द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये पहला आपके पास पॉइंट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट विच वॉज अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एट नॉ व सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट यह बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा वो बॉडी है जो इसको परमिशन देगा ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा कमिटी है या बॉडी है जो इस पर्टिकुलर चीज का परमिशन देगा कि वेदर द फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट कैन बी कन्वर्टेड टू अ नॉ फॉरेस्ट लैंड और नॉट तो उसके लिए एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी बनाया गया उसके लिए एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनाया गया विच विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एम ओ एफ सीसी के अंदर एक स्टैचुट्री बॉडी बनाया गया उसका नाम था फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी वॉज वर्किंग ऑन द ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका केवल एक ही काम था कि कोई भी एरिया को अगर फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट लैंड में डाइवर्ट करना है देन यू नीडेड द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ठीक है तो ये सेकेंड प्रोविजन था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर थर्ड प्रोविजन आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर क्या था इट टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई भी लैंड अगर कोई भी लैंड सपोज दिस लैंड अगर कोई भी लैंड हमारा फॉरेस्ट लैंड को हम अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए करते हैं तो उस केस में जो भी प्राइवेट कंपनी जो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड की तरह यूज कर रही है उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस डालेंगे दो ऑब्लिगेशंस डालेंगे पहला ऑब्लिगेशन था कि अगर मान लो आपने 100 स्क्वायर किलोमीटर सपोज कोई प्राइवेट कंपनी ने 100 किलोमीटर स्क्वायर में माइनिंग करना स्टार्ट किया जिससे पेड़ काट दिया तो अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सेट ऑफ ऑब्लिगेशन वॉज पुट इन टू दैट प्राइवेट कंपनी पहला प्राइवेट कंपनी को जितना एरिया जिस, ज, जितना एरिया जिसने उसको फॉरेस्ट टू तो नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है उतना ही एरिया फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर स्क्वायर तो इतना एरिया उसको स्टेट के पास अवेलेबल करवाना होगा सो दैट स्टेट यहां पर वापस से एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम कर सके

ठीक है तो पहला एप्लीकेशन है कि आप उसको लैंड दे दो सेकेंड साथ ही साथ आपको स्टेट और सेंटर को यह भी पैसा देना पड़ेगा अंडर विच इज नोन एज कि आपको उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अब आपने लैंड तो दे दिया बट उसमें बायोडाइवर्सिटी को लाना है पेड़ उगाना पड़ेगा पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो ये सारे चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लगेगा तो प्राइवेट कंपनी को जमीन भी देना है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर चीज का पैसा भी देना है सो दैट द स्टेट कैन री इंट्रोड्यूस द बायोडाइवर्सिटी विच वॉज लॉस एट द फर्स्ट प्लेस तो ये आपको इतना बैकग्राउंड अब यहां पे आपको प्रिलिम्स आना चाहिए क्वेश्चन you know, uh, नहीं है ये बहुत ही रेयर है कि इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा बट yes, ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड साथ ही साथ आपको याद रखना है forest conservation act of 19 ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये कुछ आपके पास हो गया पॉइंट अब इसके बाहर तक हम बात करते हैं तो ये आपको हो गया उसके बाद देखो यहां पे क्या कर रहा है इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट को प्रिंट आउट लेके पढ़ना बहुत अब फॉरेस्ट कवर क्या होता है जब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट लैंड को हम नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो भैया ये फॉरेस्ट लैंड है क्या तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी एरिया को अगर हम फॉरेस्ट लैंड कहते हैं फॉरेस्ट कवर के अंदर कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो लैंड है वो कम से कम एक हेक्टेयर का होना चाहिए और उसकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो आपको दस परसेंट से ज्यादा होना चाहिए है? तो कोई बी मोर वन बी मोर इसके पर दो तरीके के होते है, एक ओपन फॉरेस्ट होता है जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी काफी कम होता है टेन टू फोर्टी परसेंट एंड वन इज द डेंसली फॉरेस्टेड एरिया जहां पे आपको ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो फोर्टी परसेंट से ज्यादा है अगर आप दो हजार एक का डेटा देखोगे लाइक टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डेटा अगर आप दो हज़ार इक्कीस का डेटा देखोगे ये जो देखो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपका ये टू थाउजेंड वन का डेटा आपको पता है ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि वॉट इज दिस इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या ये हर साल रिलीज होता है क्या ये हर दो साल पर रिलीज होता है इसको कौन निकालता है लेटेस्ट रिपोर्ट कब निकाला गया ठीक है इसके अंदर है क्या क्या कंटेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है अगेन प्रेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है इवन मेंस में भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द लेटेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट

ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की आपकी बात हो गई इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वेदर इंडिया क्लियर हो गया अब अगर हम तो सीधा बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सरकार बिल लाने जा रही है उसमें क्या कहा गया है अब सरकार ने क्या करना चाह रही है सरकार जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको सरकार अमेंड करने जा रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन जो है उसको सरकार यहाँ पे अमेंड करने जा रही है अब उस अमेंडमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, उसको हम लोग जरा यहां पे देखते हैं तो सबसे पहला फीचर अगर हम लोग देखते हैं इसमें दैट इज द लैंड अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट अब पहला फीचर यह है कि कौन कौन सा लैंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर कवर होगा ठीक है मतलब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है वो किन लैंड पार्सल्स के लिए एप्लीकेबल होगा दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि द बिल प्रोवाइड दैट टू टाइप ऑफ लैंड विल बी अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट दो तरीके के लैंड इस एक्ट के अंदर आएंगे पहला लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन पहला वो सेट ऑफ लैंड जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर एक फॉरेस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ठीक है ये पहला है सेकंड लैंड नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी मतलब ये इस कैटेगरी में कवर्ड नहीं है बट दे आर नोटिफाइड एज फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 25th अक्टूबर 1980 ठीक है मतलब एक तो 1927 के अंदर कोई लैंड नोटिफाइड या डिक्लेयर्ड है सेकंड कह रहा है कि जो भी फॉरेस्ट है जो नोटिफाइड है याद रखना डिफरेंस बिटवीन नोटिफाइड एंड डिक्लेयर्ड फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कह दिया कि यार ये जो लैंड है ये आपका एक फॉरेस्ट है ठीक है मैंने कह दिया मैंने डिक्लेरेशन दे दिया बट नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर उसको ऑफिशियली हम कह रहे हैं कि यस दिस पर्टिकुलर थिंग यू नो कम्स अंडर द फॉरेस्ट uh, कवर uh, तो यहां पे इसलिए देखो यहां पे थोड़ा सा वर्ड का कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहला हम क्या बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लैंड जो हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एप्लीकेबल है अगर हम लोग देखा जाए इसमें कौन कौन से लैंड एप्लीकेबल है तो दो तरीके के लैंड एप्लीकेबल हैं पहला कौन सा कह रहा है कि पहले वो लैंड जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर दे आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड और दे आर नोटिफाइड पहला सेकेंड कह रहा है कि दूसरे वो सेट ऑफ लैंड होंगे आर आर फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर ट्वेंटी फिफ्थ 1980 नाइनटीन एट्टी पच्चीस अक्टूबर नाइनटीन एट्टी के बाद जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मैंशन नोटिफाइड सॉरी नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं वो इसके अंदर हमारे आएंगे

और तीसरा कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है जो इसका क्रिटिसिज्म में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ये जो यहां पे आपका लाइन लिखा हुआ है कि फर्दर द एक्ट विल नॉट अप्लाई ठीक है ये ये जो जो आप देख रहे हो थर्ड आपको कह रहा है है यहां लाइन वाला से ठीक फर्दर द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू लैंड चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट यूज ऑन और आफ्टिफोर ट्वेल्थ अथॉरिटी ऑथोराइज बाई अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी अब ये देखो क्या कह रहा है कि कोई भी लैंड देखो सबसे पहला एक्ट कब आया था 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उसके बाद कौन सा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन का ये तीसरा ईयर क्यों पढ़ रहे बिकॉज इस समय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट क्या था वो आगे बात करेंगे बट यहां पे क्या कह रहा है कि द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू तो एनी लैंड ज फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट यूज बिफोर नाइनटीन नाइनटी सिक्स मतलब जो लैंड हमने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है कि ये जो फॉरेस्ट लैंड है अब इसको नॉन फॉरेस्ट लैंड परपज के लिए यूज किया जाएगा किस डेट के पहले तक नाइनटीन नाइनटी सिक्स के पहले तक वो सारे एरिया वो सारे लैंड पार्सन के लिए दिस पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल दिस पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ठीक है तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा बिकॉज इसी का क्रिटिसिज्म हम लोग आगे जाके देखेंगे यही आपको जो एक्टिविस्ट हैं इनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका क्रिटिसिज्म है कि आपके जो एग्जामेशन हैं वो काफी ज्यादा एब्सर्ड है ठीक है तो पहला फीचर जो आपको इंपॉर्टेंट फीचर था कि किस पर्टिकुलर लैंड के लिए एप्लीकेबल है तो पहला कह रहा है कि दोज लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड इस फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आप इसका नोट्स बना लो और सेकेंड कौन से पर्टिकुलर एरिया के लिए कह रहा है कि दो लैंडिफाइड एज आर नोटिफाइड एज फॉरेस्ट नॉट डिक्लेयर डिक्लेयर नोटिफिकेशन है they are as on or after 25th और तीसरा कह रहा है कि ये जो एक्ट है दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी लैंड जिसको हमने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है जिसको स्टेट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है टू गेट चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट पर्पज बिफोर है उसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है देन आपके पास आता है एग्जेप्टेड कैटेगरीज ऑफ लैंड अब यहां पे आपको हर एक चीज नहीं याद रखना है कौन कौन सा एक्जेंटेड कैटेगरीज है बट इन जनरल देखो आपके पास क्या कह रहा है कि लैंड सिचुएटेड विद इन हंड्रेड किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर अगेन इंडिया चाइना का ये सब जो इशू हो रहा है फिर सिमिलरली लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया में वहां पर भी कुछ होगा नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स में अदर कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को इस पर्टिकुलर एक्ट के इंप्लीमेंटेशन से बाहर रखा गया है और मोटा मोटी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर का क्या है? To the of India. उसी के मद्देनजर जितने भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको इससे बाहर किया गया देन आपके पास यहां पे एक और इंपॉर्टेंट यू नो प्रोविजन है कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मान लो आपके पास क्या है कि हमने बात किया था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आपको स्टेट से परमिशन लेता है अगर आप मान लो इस पर्टिकुलर ये फॉरेस्ट कवर वाला एरिया है आप इसको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्टेट बट विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यू ऑल्सो हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंटर तो पहले अगर स्टेट अप्रूव दे दी तो फिर यह जाएगा सेंटर के पास और सेंटर में बैठा हुआ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो फाइनल अप्रूवल देता है लेकिन इसमें क्या जो हमारा इनिशियल एक्ट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उसमें यह कहा गया था कि अगर मान लो कोई भी कभी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में ट्रांसफर कर रही है लेकिन ये जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है ये यूज कौन करेगा एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट अगर मान लो कोई स्टेट बॉडी यूज कर रही है मान लो कोई पीएसक्यू यूज कर रही है मान लो यहां पे आपको आई बनाना है ठीक है तो अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए डाइवर्ट कर रहे हो लेकिन ये जो नॉन फॉरेस्ट लैंड किसके पास आप डाइवर्ट कर रहे हो इफ दैट एंटिटी वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट देन उसके लिए आपको सेंटर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर स्टेट परमिशन दे दिया तो हो गया बट अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में क्या कहा गया है कि अब कोई भी एंटिटी क्यों ना हो चाहे वो सरकारी एंटिटी हो चाहे वो एक नॉन सरकारी एंटिटी हो हर एक एंटिटी के लिए अब आपको स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनल पूछना पड़ेगा तो यहां पे आपको सेंटर के पास एक एक्स्ट्रा पावर यहां पे हमारा दिया हुआ नजर आ रहा है उसके बाद परमिटेड एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट लैंड अब देखो फॉरेस्ट लैंड में क्या है कि यार फॉरेस्ट लैंड है उसको हमें डाइवर्ट नहीं करना नॉन फॉरेस्ट लैंड में बट हम फॉरेस्ट लैंड में कर क्या कह सकते हैं फॉरेस्ट लैंड में कर क्या कह सकते हैं तो अगर इनिशियली देखें जो हमारा करेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर देखो हमारा क्या क्या चीज अलाउड है फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगाना अलाउड है ठीक है चेक पोस्ट फायर लाइन फेंसिंग वायरलेस कॉम्युनिकेशन ये सब हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि फॉरेस्ट लैंड में हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं अब ये जो नया बिल है अमेंडमेंट बिल इट एड्स मोर एक्टिविटीज टू द लिस्ट लाइक उसके अंदर लोग जू और सफारी बना सकते हैं सिल्वी कल्चर ऑपरेशन वॉट इज सिल्वी कल्चर ऑपरेशन गेन क्वेश्चन आ सकता है तो सिल्वी कल्चर ऑपरेशन इज बेसिकली एनी साइंस विच डील्स विद हाउ यू कैन एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ दट पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड दट इज नॉन द सिल्वी कल्चर ऑपरेशन एंड देन फाइनली एनी अदर प्रोविजन स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लास्टली सर्वे सर्वे जैसे मान लो कि हमको इस फॉरेस्ट लैंड में सर्वे करवाना है सर्वे देख के मैं ये देखना क्या लिथियम का रिजर्व है कि नहीं है तो वैसे केसेस में भी हमारा फॉरेस्ट लैंड को परमिट किया जाएगा तो यहां पे देखो कह रहा है फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस टू एक्सक्लूड एनी सर्वे फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज नॉन फॉरेस्ट एंड देन फाइनली द पावर टू इशू डायरेक्शन लाइज विद द सेंट्रल ठीक है तो ये सब हमारा इजी सा टॉपिक था ठीक है तो यहां पर आपको कुछ चीजें जो समझनी है वो आई गेस आपको यहां पर समझना पड़े ठीक है आई होप दैट इज आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही है ठीक है लेकिन आपको बस यहाँ पे एक चीज़ मुझे और आ, सोच रहा हूँ मैं आपको बता दूँ सो दैट इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बॉस आपको कि लैंड अंडर द ऑफ दैट कौन कौन है इसमें ये सब याद रखना था अब हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं यार इसका क्रिटिसिज्म क्या है इसका क्रिटिसिज्म पढ़ने के लिए देखो यहाँ पे क्या है पार्ट बी विच डील्स विद द की इश्यूज एंड एनालिसिस यही सब न्यूज़ पेपर यहाँ से पढ़ के लिखता है हम लोग सीधे डायरेक्टली सोर्स से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो अब यहाँ देखो क्या है ये कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है पर्टिकुलर पेपर जो रिसर्च पेपर है ये रिसर्च पेपर कहना चाह रहा है कि ये जो बिल ने आपको जिस पर्टिकुलर लैंड के लिए पर्टिकुलर ये ये जो जो एक्ट को एप्लीकेबल किया है लैंड जिसको कहा गया ना इस एक्ट में कहा गया कि कौन कौन से लैंड एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से लैंड एप्लीकेबल नहीं होंगे यही पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल करना चाह रहा है कि जितने भी पर्टिकुलर लैंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर हैं या जितने भी लैंड हमारे नोटिफाई किए गए फॉरेस्ट एक्ट अवेलेबल नहीं है ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है वो रहा है कि दिस इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गिवन इन नाइनटीन सिक्स यहाँ पेमस जजमेंट था जिसका नाम था टी डॉट एंड गोदावरम टी डॉट एंड गोदावरम ऑफ इंडिया

फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एटी को इंटरप्रेट कर रहा था किस वे में इंटरप्रेट कर रहा था कि किस किस लैंड के ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एटी विल बी एप्लीकेबल मतलब इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट कवर है तो किस फॉरेस्ट कवर के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के यूज करने के लिए तो ये जो एक्ट ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है तो इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि जो फॉरेस्ट कवर है दैट डज नॉट नेसेसरली नीड्स टू बी नोटिफाइड बट चाहे वो कोई भी फॉरेस्ट हो जो किसी तरीके से किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर सुप्रीम तो कोर्ट ने एक तरीके से इस को, इस एक्ट एक्ट को का स्कोप बढ़ा दिया और कहा कि कोई भी फॉरेस्ट कवर अगर आप नॉन फॉरेस्ट के लिए डाइवर्ट कर रहे हो तो वो जो फॉरेस्ट है वो कौन सा फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है तो पहले ये कहा गया था कि ओनली दो फॉरेस्ट कवर विच आर नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बट अब कहा गया कि इट डज नॉट मैटर अगर वो जो फॉरेस्ट कवर है वो क्यों ही ना केवल रिकॉर्डेड हो उसके ऊपर सरकार ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं किया है इट हैज इट इज ओनली रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड देन उसको भी उतना ही प्रोटेक्शन मिला जाएगा सो दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट टीएन गोदावरम और उसमें कहा था कि एफसीए विल बी एप्लीकेबल टू इसने कहा था एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू नॉट ओनली to not only notified forests to not only notified forests but also to but also to any forest but also to any forest which is recorded in which is recorded in any of the which is recorded in any of the government which is recorded in any of the government अब यही प्रॉब्लम है दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट हमने तो तो देखा अभी क्या कहा हमने कहा कि यह कौन सा लैंड एप्लीकेबल होगा तो ये कह रहा है कि वही लैंड एप्लीकेबल होगा जिसको सरकार ने नोटिफाई किया है ऑन और आफ्टर यहां पे देखो यही चीज कहा है इसने सरकार ने यहां पे देखो क्या कह रहा है कि लैंड अंडर अंड ओनली लैंड आर नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर ट्वेंटी अक्टूबर एटी मतलब जितने भी लैंड है जो रिकॉर्डेड तो होंगे इसके बाद लेकिन वो नोटिफाइड नहीं है क्या उस पर्टिकुलर लैंड के लिए फॉरेस्ट कवर के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एटी एप्लीकेबल होगा नहीं होगा बिकॉज यहां पे सिंपली कहा गया है कि ओनली दोज लैंड फॉरेस्ट कवर विच आर नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट

जिसको ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया गया है फॉरेस्ट यूज से नॉन फॉरेस्ट यूज में जाने के लिए बिफोर दिसंबर 1996 द द डे ऑफ जजमेंट उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर नहीं लाया जाएगा उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर नहीं लाया जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने नाइनटीन में नाइनटीन में हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कहा कि अब ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट कवर है इसका ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे दिया है आपको कि यहां पे चलो एक रिजॉर्ट बनेगा नॉन फॉरेस्ट कवर के लिए ठीक है क्लियर है तो अब ये क्या कह रहा है कि जो भी लैंड है जो ऑलरेडी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए परमिशन दे दिया गया है बिफोर 1996 उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नॉट नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज देखो 1996 ने क्या कहा था 1996 ने कहा था कि ऑल ऑन गोइंग नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी इफ बेव ओनली रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज के पहले आपको केवल स्टेट से परमिशन चाहिए था नाइनटीन एट्टी के बाद अब आपको स्टेट एज वेल एज सेंटर से परमिशन चाहिए था तो मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट को हमने नाइनटीन सेवेंटी फोर में कह दिया कि यार ठीक है तुम ये एरिया लेके यहाँ पे जाके रिजॉर्ट बना लो इसमें परमिशन किसका लगा होगा स्टेट का अब आ गया उन्नीस सौ अस्सी अब 1980 में आप कह रहे हो कि स्टेट प्लस सेंटर दोनों को परमिशन लाइए तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन में कहा कि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप बंद कर दो जो प्रोजेक्ट्स इसके पहले स्टार्ट हो चुके थे लेकिन उसमें केवल परमिशन स्टेट का लगा था बिकॉज 1974 में प्रोजेक्ट को तो स्टेट सेंटर का परमिशन लगा ही नहीं फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का तो 1996 का जजमेंट काफी ज्यादा अच्छा जजमेंट था फ्रॉम द इन्मेंटल परसपेक्टिव ठीक है ऑल काफी स्ट्रिक्ट था बट काफी अच्छा जजमेंट था उससे ठीक है तो अगर मान लो नाइनटीन सेवेंटी फोर में उसको ऑलरिडी अप्रूवल दे दिया गया है लेकिन नाइनटीन एटी के बाद हमारा गेम बदल गया है बिकॉज नाउ यू हैव टू टेक द द परमिशन ऑफ सेंटर सुप्रीम कोर्ट ने नाइनटीन सिक्स में कहा कि यार जितने भी हमारे नॉन जितने भी ऐसे फॉरेस्ट लैंड है जो नॉन फॉरेस्ट के लिए अप्रूव हो चुके हैं जिसपे काम चल रहा है लेकिन उसने सेंटर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लिया है वो सारे प्रोजेक्ट्स को हम बंद कर देना चाहते हैं और ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल अब क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स uh, हैं जो 1996 के पहले ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं नॉन फॉरेस्ट के लिए अब वो हमारे वापस से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे नहीं लगाया जाएगा तो इसलिए फॉरेस्ट बेसिकली लॉजिक क्या है बेसिकली बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू फॉस्ट्रैक्ट दू नो इकोनॉमिक तो ये पहला सेट ऑफ कंसर्न था आपके पास, दे एग्जेप्टेड कैटेगरीज में आप आप देख सकते हो एक्जेप्टेटरीज मैंने देखा कि वही सब आपके पास स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट सच एस रोड और रेलवे ठीक है द बिल एड एट सच अप्रूव नॉट कंस्ट्रक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिक्योलर इंफ्रास्ट्रक्चर लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के लिए तो ये सब डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए अब देखो प्रॉब्लम क्या है यार ये जितने भी एरियाज हैं ये सारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन से कौन से स्टेट सबसे ज्यादा नेिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट तो मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज्यादा रोड बना रहे हो डेवलपमेंट कर रहे हो अब नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इज द हिडन ज्वेल ऑफ द इंडिया इसमें बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इवन फॉरेस्ट कवर देखो जैसे अरुणाचल का सेवेंटी नाइन परसेंट तो ऐसे एरिया में अगर आप इतना एग्जेशन दे दोगे ठीक है भाई नेशनल सिक्योरिटी अचीव हो रहा है बट वॉट अबाउट द बायोलॉजिकल फुटप्रिंट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन द इकोलॉजी तो इस चीज को यहां पे उतना एड्रेस नहीं किया गया है जितना हमारा करना

ठीक है तो अगेन फॉरेस्ट फॉर एक्जेम्पन फॉर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में नॉड डीलेन सर प्रोजेक्ट इसका क्या कहना है कि डीले जो है वो डीले क्लियरेंस की वजह से नहीं होता है ठीक है डीले जो है वो क्लियरेंस एट द सेंटर से नहीं होता है दीले, दीले का जो प्रॉब्लम है क्यों प्रोजेक्ट डीले होता है बिकॉज स्टेट लेवल पे क्लियरेंस नहीं मिलता है आपने उस चीज को एड्रेस नहीं किया आपने उसको एग्जाम कर दिया कहा कि सेंटर से लेने की जरूरत नहीं है बट सेंटर से क्लियरेंस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम द बिगर कल्प्रेट लाइज विद द विद्लियरें गिवन एट द स्टेट लेवल वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रक डाउन है

तो ये हमारे एग्जामेशन के ऊपर बात कर रहा है बाकी कुछ और छोटे छोटे इशू है पहला इशू है कि यार अगेन जू क्यों बनाया जा रहा है आपको क्योंकि इसमें देखो थर्ड प्रोविजन था ना थर्ड प्रोविजन था यहाँ पे आपका इस बिल में हाँ, देखो हाँ, द दे बिल एड्स मोर एक्टिविटी तो जूज एंड सफारी तो ये जू एंड सफारी बनाने से अगेन प्रॉब्लम होता है फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है ये कोई लॉजिक नहीं है और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यार नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है अब उसमें आपने क्या किया आपने एक जू बना दिया और जू के अंदर शेर को डाल दिया पिंजरा में और फिर आपने फॉरेस्ट सफारी कर दिया तो फॉरेस्ट का पर्पस क्या है जू का पर्पस अलग है तो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट की तरह फॉरेस्ट में इस तरीके से आप नहीं इंटरफेयर करके जू बना सकते हो तो ये चीज़ है हमारा और साथ साथ एक और क्रिटिज्म है कि इस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बिकॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एटी का जो पर्पस था इट वॉज़ टू एंश्योर की डिफॉरेस्टेशन ना हो लेकिन इस पूरे एक्ट में केवल एक तरीके से फास्ट ट्रैक करने की बात चली कैसे हम लोग फास्ट ट्रैक कर सकते हैं फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और कैसे हम लोग जल्दी से -जाल्द ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं बट इस पूरे अमेंडमेंट में फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन के ऊपर सरकार क्या स्टेप्स लेगी क्या होना चाहिए ये हमारे पास ज़्यादा क्लियर नहीं वही देखो पर्पस ऑफ जू इज अनक्लियर एंड एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक ठीक है तो इस रिपोर्ट को आप पढ़े इस रिपोर्ट को पढ़ के अब आप इस रिपोर्ट को क्या करो अब आप इस रिपोर्ट को लगभग एक पेज में समराइज कर लो ऑनलाइन नोट्स बना के इस पर्टिकुलर आप पूरे पीडीएफ को एक पेज में समराइज़ कर लो और देखो कि पार्लियामेंट जॉइंट सेशन जब जब पार्लियामेंट बैठेगा तो क्या सरकार इस बिल को टेबल करती है कि नहीं करती है और अगर टेबल करती है तो ये एक्ट बनता है कि नहीं बनता है अगर ये फाइनली एक्ट बन जाएगा तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है तो इसलिए अभी से आप इसको ट्रैक करो कोई भी चीज़ को पी से पढ़ो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट जब आप ये बैकग्राउंड समझ लोगे तो अब आपको न्यूज़ पेपर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा तो नाउ आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आया हो कुछ ना समझ में आया हो तो यू कैन अगेन गेट इन टच विथ मी यू कैन आर पोज द क्वेश्चन और यू कैन जस्ट हैंग अप विथ मी एट द चानक्यडमी बोरिंग रोड और द बेली रोड ठीक है सो फिर से मिलते हैं किसी अगले सेशन में आई होप योर हैविंग अ ग्रेट टाइम थैंक यू एंड बी हैप्पी